नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले में तलब किया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन यहाँ कोई भी पार्टी प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई सांसद नदारद रहे। बैठक में न पहुंचने वालों में पूर्वी दिल्ली से सांसद बीजेपी और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी थे। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है कि संसदीय कमेटी की बैठक में आज का एजेंडा दिल्ली NCR में प्रदूषण का था, जिसके बारे में एक हफ्ते पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इस बैठक में गौतम गंभीर गायब रहे। क्या प्रदूषण को लेकर गंभीर की गंभीरता सिर्फ कमेंट्री बॉक्स तक ही सीमित है? इस ट्वीट के साथ ही आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर की एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वो इंदौर टेस्ट के दौरान साथी कमेंटेटर VVS लक्ष्मण के साथ मिष्ठान का लुफ्त उठाते हुए दिख रहे हैं। संसदीय कमेटी ने जब ये बैठक बुलाई तो कुछ ही सदस्य वहां पहुंच पाए। कमेटी की ओर से जिन अधिकारियों को समन किया गया था और प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था, उन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों को भेज दिया, जिसके बाद कमेटी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने नाराजगी जताई। यही कारण रहा कि प्रेजेंटेशन भी कैंसिल कर दिया गया। गौतम गंभीर भी इस कमेटी का हिस्सा है, जो इस वक्त इंदौर में चल रहे भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आज की खबर।